हेलो एंड वेलकम टू एक्सक्यूज मी सर। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में। दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लाके आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म? गाइस, पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म किसी वर्क को डिस्कस करती है उन वर्क का ऑथर की बिना ही, सिर्फ ऑथर को ही छोड़ते हैं ऐसा नहीं, बल्कि ऑडियंस क्या सोच रही है, उनमें कैसी इफेक्ट पड़ रही है और वर्ल्ड को भी कैसे प्रेजेंट किया है। दोस्तों, ये सब बाहर की एलिमेंट को अवॉइड किया जाता है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म में। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म करती क्या है। गाइस, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म टेक्स्ट के अंदर की क्राइटेरिया को जज करती है, जैसे कि टेक्स्ट का कॉम्प्लेक्सिटी, यानी टेक्स्ट का क्वालिटी कैसा है, उस टेक्स्ट से आपको क्या कंसीडरेशन आ रहा है, एटसेट्रा। गाइस, और भी है जैसे कि कोहरेंस, यानी इट्स लॉजिकल क्वालिटी, इस टेक्स्ट में लॉजिक है कि नहीं। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम, यानी टेक्स्ट के अंदर बैलेंस्ड है कि नहीं। टेक्स्ट की बैलेंस रखने के लिए टेक्स्ट के अंदर सब कुछ होना चाहिए, जैसे कि लाफ्टर, सैडनेस, रोमांस, इस सब रहना चाहिए। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी, यानी टेक्स्ट के अंदर मोरालिटी होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेक्स्ट के अंदर ऑर्गेनिक यूनिटी रहना चाहिए, यानी टेक्स्ट का हर एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा रहना चाहिए। कैरेक्टर के बीच एक इंटर रिलेशनशिप होती है, उस इंटर रिलेशंस को बरकरार रखना चाहिए। सो गाइस, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म इंट्रिंसिक क्राइटेरिया को भी जज करते हैं। नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब्स द लिटरेरी प्रोडक्ट एज एन ऑटोनोमस एंड सेल्फ सफिशिएंट ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म ने लिटरेरी वर्क को ऑटोनोमस की तरह देखते हैं। एक एक टेक्स्ट किसी पे डिपेंड नहीं करते। दोस्तों, और भी बोला जाए तो टेक्स्ट किसी बहता हुआ नदी की तरह है, उनमें आप तैरे तो ठीक है और नहीं तैरे तो वो खुद बहती रहेगी। एक सेल्फ सफिशिएंट ऑब्जेक्ट की तरह है। दोस्तों, सेल्फ सफिशिएंट समझने के लिए आपको इमानुएल कांट का एस्थेटिक जजमेंट जानना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ। आप जाके उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये एक सेल्फ सफिशिएंट है, यानी इनमें सब्जेक्टिविटी होना चाहिए, यूनिवर्सलिटी भी होना चाहिए और उसका एक पर्पस है, पर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। नेक्स्ट, वी कांट नो द ट्रू नेचर ऑफ इधर द ऑडियंस और द ऑथर। द ओनली थिंग इज दैट ए वर्क ऑफ आर्ट कंटेन्स इट्स पर्पस विद इन इट सेल्फ। गाइज, हम लोग किसी ऑडियंस और किसी ऑथर क्या रियली सोच रहा है वो हम बता नहीं सकते, पर हमारे पास एक टेक्स्ट पड़ा है, उनका एक पर्पस भी है। हम लोगों को बस उससे ढूंढ लेना चाहिए। टी एस एलियट ने जैसे बोला था कि एक ऑटोटेलिक है, आपको अपनी खुद का परसेप्शन के जरिए से उनको समझ लेना चाहिए। दोस्तों, आर्ट फॉर आर्ट सेक एक फ्रेंच स्लोगन है,
जो कि इसी तरह से आया था।